ताबूत तो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है, इसकी हालत देखो। सब ये तो सारा मुस गया भाई, यहाँ से तो भाई टूट गया बिल्कुल। वो तो हम आगे टाइम से अभी यहाँ पे पतंग लगाएंगे और ऐसे सूं टेक ऑफ ऊपर हो जाएगी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऐसा किसी ने लिखा भाई साहब, अभी तक उड़ रही है। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब, मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी लोग। तो गाइस आज कम से कम भी 13 या 14 दिन बाद पे खड़ा होकर इंट्रो शूट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई आप लोगों को तो बताया कि क्या सीन हो गया था, बड़ी लाइव चैलेंज कर रहे थे, अभी वो चीज इतनी अपोजिट हो गई हमारे साथ, भी सिचुएशन ऐसी बन गई और भी बारिश का भी पता नहीं रहता किस टाइम आई किस टाइम नहीं आई। थोड़ी देर पहले इतनी धूप निकली हुई थी और भी अब देखो कितने बादल आ गए। जब पहले से तबियत तो काफी ज्यादा ठीक है, अभी भी पेट में इन्फेक्शन रहता है, मिट्टी का काफी ज्यादा पानी चला गया था अंदर। और गाइस कल 15 अगस्त है, सबको पहले एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और भी गला तो आप लोगों को अभी भी दिख रहा होगा कि अभी भी खराब है, वो भी एक दो दिन में ठीक हो जाए। अभी मैंने विनीत को बुलाया डॉक्टर के पास, चलना है एक बार चेस्ट का एक्सरे करा के आना है। विनीत भी आ चुका, अभी मैंने खाना खाया था बस। बाहर देखना कितनी पतंगे उड़ रही है, पूरा आसमान भरा हुआ है भाई। कल 15 अगस्त है ना, इसलिए सारे आज पतंग उड़ा रहे हैं। फिर हम भी उड़ाएंगे आज, हम भी उड़ाएंगे पर हम अलग तरीके से उड़ाएंगे। अलग तरीके से कैसे? कुछ अतरंगी तरीके से उड़ाएंगे भाई, नॉर्मल तो सभी उड़ाते हैं भाई, ऐसा क्या करेगा तू? बस तो शाम को देखियो। तो गाइस अभी एक बार चलते हैं, पहले एक्सरे वगैरह करा लाते हैं, उसके बाद पतंग की शॉपिंग करने चलेंगे, फिर शाम को आपके लिए सरप्राइज है कैसे पतंग उड़ाएंगे। वो तो बता, घर वालों ने क्या बोला तेरे को परेडल चैलेंज के बारे में? अरे भाई कुछ भी नहीं बोला अभी तक, तो हॉस्पिटल में तो बक्स दिया था तेरे को, यहाँ पे तो तोड़ा होगा। अरे नहीं भाई अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, इससे पहले अगर कोई चल निकल ही लेते हैं कभी देर को भी पीछे तना पड़े। गाइस अभी मार्केट साइड निकले थे, अभी गोलू की कॉल आई है कि मैं भी बहादुर का डर रखी हूँ, एक बार मिल लेते हैं, अभी अभी उसके पास जा रहे हैं। होगी भाई उससे बात सोल्व? नहीं भाई बात बात तो अभी कुछ सोल्व नहीं हुई है, एक बार मिल के बात करके देख लेते हैं क्या कुछ सीन है। सोए जब फ्लैट पे तो आ चुका है, अभी गोलू भी आ चुकी है। तबियत तो ठीक है अब। तू कैसे बच गया इसके साथ इतना कुछ? अरे मेरे साइड तो वेंटिलेशन वाले वो थे, इसके साइड कुछ नहीं था, तो मेरा तो फेस उसमें से बाहर निकल गया। वैसे इसकी साइड तो वो वेंटिलेशन वाला होल था, वहाँ से इसने आराम से सांस ली थी, मेरी साइड तो ऊपर से पूरा कवर था और मेरा पैर भी फिसल गया था, और जैसे ही पैर फिसला ना वैसे ही फोन भी गिरे और पीछे सर भी लगा। सारी छोड़ो, तूने वो क्या बना रखा है, वो चैनल एक्सपोज वगैरह कर रखा है, क्या फालतू की चीजें बोल रही है तू? चलो मैंने बोला नहीं कुछ, इतना तो कुछ हुआ नहीं जितनी तूने बकवास कर दी उस चीज में, इतना ही कुछ हो रखा था ठीक। खुद अपनी तरफ से इतनी फालतू की बातें बना दी। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो तुम? अरे इसने काम ही ऐसा करा, तूने वो चैनल देखा है अलबादी 2.0, उस पे एक्सपोज वगैरह पता नहीं क्या फालतू की वीडियो डाल रखी है। फालतू की है वो, खाम का बकवास कर, वीडियो को डिलीट कर दिया पहले तो। क्यों डिलीट करूं, वो तो सच्ची था जो बोला है। फोन इधर दे और इसको डिलीट करने के, उसको डिलीट कर दे पहले तो ठीक है। अरे रुक जा यार, कर देगी जब ब्रांड दे यार, क्यों लड़ क्यों रहे हो खान का? वीडियो खुद डिलीट कर लिया मैं, खोज के करो। अरे रुक जा रही हूँ 2 मिनट, वीडियो तो डिलीट कर लिया, क्या बैठ के बात कर ले यार, ये ऐसे मान जा यार। अरे हमारी बात तो पहले ही सोल हो गई थी भाई, सही है, बढ़िया मजाक कर रहे हैं। तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, तेरा रिएक्शन देख रहे थे, आज तभी तो ये मिलने आ गई, वरना हमारी बात सोल नहीं होती तो कैसे मिलने आती फिर। ये बेचारा पूरा सीरियस हो गया। अरे मेरे को सच में लगा तुम ऐसे लड़ने लग गए पे। हाँ अरे हमारी बात तो पहले ही सोल हो गई थी, इसने मैसेज वगैरह कर दिया, जैसे तबीयत खराब नहीं हो रखी थी मेरी तब मैसेज कर रहे, तब तो मैं अटेंड कर नहीं पाया, फिर हमारी कल परसों बात हो गई थी उस रूम में चली गई। उस रूम में जाने के लिए किसने बोला तेरे को? तो पागल है क्या? इस रूम में जाने के लिए किसने कहा? बाहर निकल यहाँ से, पागल हुई है वही जो यहाँ क्या कर रहा है और ये क्या है? अरे तू निकालने के लिए किसने बोला तेरे को भाई? ये लॉक किया था, ये अनलॉक कैसे हो गया पता नहीं भाई। अरे तू दोबारा ये सब शुरू कर दिया, अभी स्टार्ट थोड़ी करे, वो गेट बंद कर रखा था, पता नहीं लॉक कैसे हट गया यार उसका। मैं नहीं रुकूंगी यार, तुम लोग तो पागल हो गए क्या, कैसे कैसे चैलेंज करते रहते हो, अब मैं क्या दूं के ब्रेड लाए और कभी हुई जब मैं, तुमने तो लॉक किया था, लॉक कैसे हो गया? भाई कहीं इसी की वजह से वो दिक्कत तो नहीं होती वो बरेडा लाइव वगैरह वाली? हो सकता है, गलती से रूम में चले गए, इधर भी काफी ज्यादा डर गए थे इसलिए वहां से निकल लिए, और इसने एक्सपोज वाली वीडियो में बोल रखा था ना कि घर पे नहीं छोड़े आता, तो इसलिए स्पेशली घर पे छोड़ने जा रहे हैं। तू क्यों छुपा रही है अब? अरे घर पे तो जा ही रहे हैं ना, तो आंटी को बताऊंगा। आंटी को बता दे भाई, आंटी इसने क्या क्या वीडियो बना रखी है मेरे से? है नहीं घर पे, ये बात नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे जब बताऊ आंटी को सारी। ठीक है भाई गोलू। सो गाइस गोलू को तो छोड़ के आ चुके हैं, अभी एक बार पहले टेस्ट करा लेते, उसकी रिपोर्ट भी कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा आने में। ये क्या सीन चल रहा है, कमेंट्स में आ रहे हैं कि तुमने कब्र का मजाक बनाया है, ये किया वो किया। तो गाइस मैं भी ये कमेंट काफी ज्यादा पढ़ रहा था कि हमने कब्र का मजाक बनाया, कब्र का मजाक कैसे बनाया हमने, हमने तो बस एक ताबूत बनाया फिर नीचे दफन कर दिया, उसमें क्या मजाक बन गया भाई? पता नहीं भाई खाम खा की बातें कर रहे हैं यार। एक दो होते हैं ना कि पॉजिटिव कर रहे हो बट उसको नेगेटिव में लेके जाते हैं। तो गाइस कब्र का मजाक जब होता, जब प्रॉपर कब्र बनाते और उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, ये कमेंट
तो भाई बस कॉन्ट्रोवर्सी कराने के लिए कर रखी है बंदों ने। सो गाइस अभी रिपोर्ट लेके आए थे, अभी डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी कितना कुछ इन्फेक्शन रहता है। सो गाइस पतंग वगैरह की तो सारी शॉपिंग कर ली, और भाई ये रही अपनी स्पेशल चीज। अभी क्या करके मानना है भाई इनसे? अरे मैं तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं भाई, ये अपने आप ही उड़ा देंगे, और भी मस्त तरीके से उड़ा के ऊपर ही फाड़ देंगे पतंग को। एक्साइटमेंट हो रही है, देखते क्या कुछ सीन बनता है। सो गाइस अभी उसी प्लॉट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने बरेडा लाइव चैलेंज करा था। अभी ये ताबूत तो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है, इसकी हालत देखो क्या हालत हो गई यार इसकी भाई साहब। ये तो सारा मुस गया भाई, यहाँ से तो भाई टूट ही गया बिल्कुल। वो तो हम आगे टाइम से, नहीं तो भाई बचने वाले नहीं थे। ये देख मिट्टी का प्रेशर, बारिश का पता भी नहीं चलता। हम तो अंदर खाना वो पैक करवा रहे थे वहाँ पे। यार तुम्हारी आवाज किसने भी सुनी यहाँ पे? कोई भी नहीं था यार, कहाँ पे कौन सुनेगा ये देखना। इतनी मैंने और विनीत ने अंदर से भी जितनी जान हो सकती थी उतनी लगाई थी। मिट्टी का देखो कितना प्रेशर लगा भाई। भाई कुछ ये लोक भी तो लगा रखे थे ये देखना। सो गाइस ये देखो ये लोक लगा रखे थे ऐसे, और कुछ मिट्टी का बोझ था भाई इसलिए नहीं खुला हम दोनों से। वैसे एक चीज देखे यार, वाटर प्रूफिंग का पूरा इंतजाम कर रखा था, बट फिर भी भाई ये पानी गया इसके अंदर। इंतजाम तो कर रखा था, कितनी देर पानी रोकेगा, अभी ये पूरा भर गया साइड में से निकलने लगा भाई। लेवल भी तो पानी का ऊपर तक आया तभी तो अंदर गया। दिक्कत तो यही है कि ये प्लॉट का जितना पानी है ना भाई सारा का सारा ये गड्ढे की तरफ आ गया। ये देखो भाई, देख भाई कितना मजबूत है भाई, बट लेकिन भाई देखियो ये बिल्कुल ही मुस गया यहाँ से। तो कितना प्रेशर आया होगा वहाँ पे, सही प्रेशर आ जाता ना तो बीच में ही फंस जाते टूट के। फाइनली अभी छत पे तो आ चुका है, भाई अंधेरा हो चुका है। इधर एक तो मार्केट में चले गए सामान लेने। देखो भाई अपने इंडिया की पतंग इतनी बड़ी, सबसे बड़ी पतंग ले आए भाई। तो गाइस ये रहा रॉकेट, इसको लगाएंगे भाई पतंग पे। सिद्धू मूसे वाले की भाई साहब, सिद्धू मूसे वाले की पतंग उड़ाएंगे आज तो। मुकाबला रॉकेट लगाएंगे पतंग में, और भी देखेंगे कितनी ऊपर तक जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तेरे को कन्नी बांधनी आती है या वैसे ही लगा हुआ है? एक्सपर्ट हूं सिद्धू, एक्सपर्ट है भाई, कन्नी बांधनी सिखाता हूं मैं तेरे को। सबसे पहले इसको ऐसे करके फिर ये तोड़ दी। अरे ऐसे ही करते हैं। अरे ये तो मेरे को पता है कि थोड़ा सा बैंड करना पड़ता है फिर। चक्री भी लेके आया हूँ, पतंग पे चक्री लगाए भाई। क्या करके मानने का तू ये बता मेरे को। पतंग को उड़ा के घुमा के पतंग को पागल कर देंगे भाई। उड़ाते मान जैसे, और तू पता नहीं चक्री रॉकेट क्या क्या लेके आया हुआ है। अरे अपना ऐसा ही है भाई, पतंग रेडी है। अरे ऐसे कौन उड़ाता भाई, कन्नी तो बांध लेंगे फिर उड़ाएंगे। अरे तू एक मिनट रुक बस, तू फिर से उड़ने वाली पतंग तो देखी होगी आज, घूमने वाली और देख लो। तो गाइस आपने नॉर्मल काफी ज्यादा पतंग देखी होगी, अभी आपको दिखाते हैं रॉकेट वाली पतंग भाई। तो गाइस ये अपनी रॉकेट वाली पतंग, इसमें रॉकेट लगा रखा, देखते हैं कहाँ पे जाती है कहाँ पे नहीं जाती। गाइस आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हम बना सकते हैं, सिर्फ हम बना सकते हैं। ओ भाई साहब, भाई साहब। ट्राई करते हैं और ऊपर ले जाने की, ठीक है? दो रॉकेट लगाते हैं, दो रॉकेट इकट्ठे। सो गाइस आप लोग ये चीज बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है भाई इसमें। हम भी पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। ओ भाई साहब, भाई साहब। क्या सीन हुआ? एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। ऐसा किसी ने नहीं किया। ओ भाई साहब, ओए अभी तक उड़ रही है ऐसा वो पड़ी। ये वाला एक्सपेरिमेंट पास हो गया भाई, सीधा ऊपर चली गई भाई, मजा आ गया। ऊपर गई है देखना भाई साहब, बिना मांझे बिना किसी चीज के पतंग उड़ा के दिखा दी। और करते और ज्यादा मजा आएगा, बिल्कुल ट्राई करते हो भाई। अभी सारी ऐसे उड़ाएंगे भाई, और पतंग ले आते और रॉकेट ले आते, पूरी रात करेंगे आज तो। ये देखो कोई बिना आउटर फोर्स लगाए, बिना मांझे के, बिना हवा के कैसे उड़ा दिया। सो गाइस 20 रॉकेट और 10-15 पतंग दोबारा से ले लिया। रिस्क लेते हैं और फिर भी तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। तो भी उड़ा पाड़ नहीं, नहीं उड़ानी आता, उड़ा ले जाके मांझा भी चाहिए। उड़ा दी रॉकेट, छोड़ दे ये, छोड़ दे छोड़ दे, चल चल भाग जल्दी भाग जल्दी, गोला आ गया आ गया। तो गाइस ये तो बना दिया हमने स्लोप, अभी यहाँ पे पतंग लगाएंगे और ऐसे टेक ऑफ ऊपर हो जाएगी। ओ भाई साहब, ये तगड़ी थी भाई। मम्मी गुस्सा होगी। तो राधा घर वाले मारे मेरे को पिटवाएगा साथ। बोलते कि सारी उल्टी हरकत तेरे लिए ही लिखी हुई है, तभी तो नाम तेराल बाधी है। अरे ऐसा ही है भाई अपना। अभी दोबारा से स्लोप बना के उड़ा रहे भाई, काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई। हमने तो 15 अगस्त और दिवाली मिक्स कर दी। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये देख कैसे बैठा हुआ खा रहा है, इसको कोई शर्म नहीं भाई, देख ले हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार अभी आया ना, कहाँ था इसे पूछियो, कहाँ था तू सुबह से भाई? जिम में, जिम में गया हुआ बेशरम।
उसी में लग गया, वरना टेक ऑफ कर गया था, बट एरोप्लेन की तरह। इस पतंग तो काफी देर उड़ाली थी, उसके बाद एक सीन हो गया था। गूगल टाइम दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो भी सुबह के 2:06 हो चुके हैं। इसमें और विनीत रॉकेट वगैरह छुड़ा रहे थे, अभी तभी एक सीन हो गया, एक रॉकेट बिल्कुल आ गया हमारे पैरों में, फटी फटने के बाद उसकी आग मेरी आंख में जाके लगी। अभी जल्दी से हॉस्पिटल भागना पड़ा था, ये 2-3 दवाई दी, अभी दवाई हर एक 1.5 घंटे में डालनी आंखों में। गाइस हमारे साथ भी कुछ ना कुछ सीन होता ही रहता, पर हमें पंगे लेने की आदत है। अभी वो बड़ी डलाई वाला ठीक नहीं हुआ था, अभी आंख वाला हो गया। गाइस इस बारे में तो मम्मी को भी नहीं पता, अगर पता चल जाता ना तो मेरे को ऊपर से उठा के फेंक देती। गाइस अभी इस वीडियो को एंड कर देते, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लिए कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है अलवादी का। गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा, इस वीडियो को लाइक करो यार, कम से कम इस वीडियो पे 10,000 लाइक तो हो जाने चाहिए। चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा हुआ, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिखाया, इतने कमेंट इतने मैसेज कर रखे थे कि भाई इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो इससे रेगुलर ऐसे ही ब्लॉग आया करेंगे, मस्त मस्त चैलेंज, मस्त मस्त डेयरिंग चीजें किया करेंगे जो कोई भी नहीं करता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।